कांग्रेस में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। जहां एक ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि सीनियर नेताओं को मौका मिलना चाहिए, वहीं प्रताप सिंह बाजवा राहुल के बचाव में सामने आए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल लोग यही कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से फ्रंटल अटैक आपने लॉन्च कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सोनिया गांधी केपेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए? मेरा आप अच्छी तरह प्रेस नोट पढ़िए, उसमें सोनिया जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, अनचैलेंज्ड हैं, उनके पर कोई सवाल की बात नहीं। ये इसलिए मुझे देना पड़ा क्योंकि पिछले 15 दिन में ये चौथी दफा है, 4 टाइम है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी जी की लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क उठाया। तो somebody has to defend a young leader। सब बात तो लेकिन यही है ना कि अगर सोनिया जी लीड कर रही हैं, राहुल गांधी सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड होते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये किसने कहा? ये तो पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना व्हाट हैज टू बी डन। व्हाट वाज, ये क्या जरूरत थी अमरिंदर सिंह जी को ऑन कैमरा आकर सभी चैनल्स पर जाकर, सभी नेशनल पेपर्स में जाकर और 4 दफा लगातार ये बात रिटेरिएट करने की? किसी ने मिस्टर गांधी की पोजीशन को तो कभी चैलेंज नहीं किया। शी रिमेन्स अ सुप्रीम लीडर, एवरीबॉडी इज विद हर इवन टुडे एंड दे विल रिमेन इन फ्यूचर टू। बट दी काइंड ऑफ जिस ढंग से उन्होंने राहुल जी की कैपेबिलिटीज पर बात करने की कोशिश की, और आज एक चैनल को यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, हो सकता है मेरे जैसे लोग पार्टी छोड़कर भी जाने के लिए हमें सोचना पड़े। लेकिन सर, सीनियर लीडर्स जब ऐसा कह रहे हैं तो बात तो ये भी उठ रही है कि आखिर राहुल गांधी ने इम्पैक्ट कहां पर किया है, कौन से इलेक्शन राहुल गांधी ने आपको जिता दिए? मैं ये पूछना चाहता हूं काउंटर क्वेश्चन, UPA 1 UPA 2 किसने लीड की? इट वॉज बींग लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगर हमारा नंबर कम होकर 44 पर पहुंचा तो उसके लिए आप क्या समझते हो राहुल गांधी जी रिस्पॉन्सिबल हैं? और ये अगर, और ये बात सबसे जरूरी बात है कि डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। कैप्टन, डिसिप्लिन की आप बात कह रहे हैं, कैमरे में आप दोनों आगे इस तरीके से आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो पार्टी की इमेज कहीं ना कहीं यहां पर धूमिल नहीं हो रही? 100% हो रही है, मगर इन पर भी कोई बंदिश लगाने वाला है? ये डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में, ये भी, इनको भी कोई लक्ष्मण रेखा होती है जिसमें लक्ष्मण रेखा पर रहकर ये 15 दिन में 4 दफा राहुल जी के खिलाफ इन्होंने बात करने की कोशिश की है ढंग से, तो उनको अपनी लीडरशिप को डिफेंड किसने करना है? अगर उसका मतलब ये है कि ये महाराज हैं और महाराज ये जो हैं, इनके लिए कोई कैदा, कोई कानून नहीं है, ये कोई भी लक्ष्मण रेखा जब मर्जी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। सो डिसिप्लिन इज मेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम ओवर। तो डिसिप्लिन की बात करें, पार्टी के भीतर ये सारे चीजें जितने वाद विवाद है अंदर ही फैसला होना चाहिए ना सर, यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में आप, पार्टी की इमेज क्या बनेगी लोगों की निगाहों में? मैंने तो आपको बुलाया नहीं, आप मेरे पास खुद आए हैं, आप खुद आए हैं मेरे कैमरे के सामने, आप ही बोल रहे हैं सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। नहीं, ये तो आप अब कह रहे हैं, आप मेरे पास आ गए और मैंने, आपने मेरा व्यू लिया और मैंने आपको व्यू दे दिया।